हमारे सीएम साहब ने स्पेसिफिकली अपील किया है कि वन कॉल इज नॉट ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। कांग्रेस ने बदनाम करने के लिए कोशिश किया है। ये जो है अपू अपा जो है अरुणाचल, ये APPSC फियास्को के लिए CBI डिमांड किया। एस्पायरेंट्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डे स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हियर एट जुलंग हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन today to celebrate the 9-year achievement of Narendra Modi government and Pema Khandu government, and the state executive meeting has passed a resolution to organize Thanksgiving program for the 9-year achievement of Narendra Modi government and Pema Khandu government. So this Thanksgiving program, the celebration program, will take place in 10,56,000 booths in India as a whole, and it is going to be launched by the Prime Minister on 30th May, and from 30th May it will go up to 30th June. And majorly today, in the very beginning, in the Margdarshan of the President, Bharatiya Janata Party Arunachal Pradesh, ye jo APPSC फियास्को को स्टेट प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली बोला है कि जैसे जैसे हमारे एस्पायरेंट्स एंड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड किया, वैसे वैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू, जैसे CBI डिमांड किया CBI ला दिया, ED डिमांड किया ED ला दिया, और इसमें स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर वागे है स्टेटेड कि जब ये APPSC फियास्को के लिए CBI डिमांड किया, एस्पायरेंट्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर लीडिंग दिस मूवमेंट, जब CBI डिमांड किया, CBI इज वर्किंग एंड CBI इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं लोगों ने CBI को डिमांड किया, इसलिए CBI को हमारा तुरंत चीफ मिनिस्टर साहब एक्शन लेकर के रेकमेंड करके CBI को ला दिया। CBI अपना काम कर रहा है। CBI इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड CBI का अपने काम करने का तौर तरीके अलग होते हैं। CBI के काम करने के तौर तरीके को स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स नहीं दे सकते हैं, यहाँ का अरुणाचल प्रदेश के पुलिस भी डायरेक्टिव्स नहीं दे सकते हैं। हाँ, जहां जहां जरूरत है, जब CBI मांगेंगे, सिर्फ सहयोग दे सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ओर से अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने स्पेसिफिकली थैंक्स गिविंग भाषण दिया है। आज के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में CBOs, हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंटल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरीज लोगों को वहां दिल्ली में डेलीगेशन के तौर पे ले जाके नरेंद्र मोदी जी को मिलवाया, और अरुणाचल प्रदेश के हर एक जनजाति के समस्या को हमारे PM साहब का साथ हमारा CM साहब ने बात करवाया। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके पश्चात असम अरुणाचल बाउंड्री इश्यू, जो हमारे BJP सरकार, अरुणाचल प्रदेश के BJP सरकार, असम प्रदेश के BJP सरकार अंडर द डायरेक्ट लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, हेमंत शर्मा जी एंड अमित शाह जी, जो 50 साल से भी ज्यादा पेंडिंग असम अरुणाचल बाउंड्री इश्यू को जो सॉल्व किया है हमारे चीफ मिनिस्टर के इफेक्टिव लीडरशिप में, सारे अरुणाचल के कार्यकर्ता स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद दिया है, सराहना किया सभी ने। और उसके पश्चात हमारे अरुणाचल प्रदेश BJP भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आज के स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में स्पेसिफिकली पार्टी डिसिप्लिन के बारे में काफी बात किया, और यहाँ हमारे CM साहब ने सभी को अपील किया, हमारे MLAs को भी, मिनिस्टर्स को भी, जितने भी कार्यकर्ता से, उन्हीं सभी को
हमारे सीएम साहब स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि जो अरुणाचल में जो कांग्रेस का कल्चर हुआ करता था, ये जो है धीरे धीरे जो बीजेपी में कांग्रेस से जो आए हैं, कांग्रेस का कल्चर को ड्रॉप करना पड़ेगा, धीरे धीरे बीजेपी के कल्चर में अपने आप को फिट करना पड़ेगा। फिट करने के लिए काफी ट्रेनिंग जो लेने का जरूरत है, काफी कोशिश करने का जरूरत है, कोशिश करना चाहिए। और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि एक चीज जो है, ये कांग्रेस ने कहा कि 72 आवर्स बर्न कॉल में जो प्रिवेंटिव अरेस्ट हुआ है APPAC मैटर्स को लेकर के, सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टन इंडिविजुअल्स दे हैव कॉल्ड फॉर 72 आवर्स बर्न कॉल। कांग्रेस ने कहा है कि इमीडिएटली ये सभी को जिसको डिटेंशन किया है हमारा सरकार के ओर से, जल्दी जल्दी रिलीज करना है। और जो ये जो है अपू अपा अरुणाचल प्रदेश ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये सरकार हमारे सरकार को कांग्रेस ने बदनाम करने के लिए कोशिश किया है। ये जो है अपू अपा जो है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, 2014 में ये कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस ने बना के उसको इंप्लीमेंट भी किया है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कानून कांग्रेस ने बना के रखा है उसको इंप्लीमेंट किया है, और इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और हमारे सीएम साहब ने स्पेसिफिकली अपील किया है कि बंद कॉल इज नॉट ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, बंद कॉल इज सच ए मींस व्हिच प्रोवाइड्स अनटोल्ड सफरिंग्स टू द पुअर पीपल, डेली वेज लेबरर्स, डेली वेज वर्कर्स, स्पेशली हमारा बाजार में जो हमारे भाई बहन दीदी माँ लोग जो सब्जी बेचते हैं, मछली बेचते हैं और तरह तरह के जो व्यापार करते हैं, 72 आवर्स बंद करके उनका घर का चूल्हा को बंद कर दिया, खान पान को बंद कर दिया, जो हमारे माँ बहने भाई जो बाजार में बैठ के रोज रोज सब्जी बेच के, मछली बेच के और जंगल से जो बम्बू शूट बेच के कुछ थोड़ी सी पैसा मिलता है, अपने बच्चों को पेन के लिए, पेंसिल के लिए, कागज के लिए, स्कूल में थोड़ी सी फीस देने के लिए, ऐसे मेहनत करके जो कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, ऐसे बंद कॉल का वजह से बहुत लोग दुख हुआ है। और खास करके गवर्नमेंट का पास ऐसे ऐसे रिपोर्ट आया है कि मैं आज प्रेस में नहीं बोल सकता। ये जो है बंद कॉल इज नॉट ए सॉल्यूशन एट ऑल, बंद कॉल इज ए कर्स फॉर एवरी सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर ने आज सख्त तौर पे कहा और कह दिया कि ये जो है बंद कॉलर्स का अगेंस्ट में, जिसका बेसिस नहीं है, जो बेकार में बंद कॉल करता है, पब्लिक को पनिशमेंट करने के लिए, पब्लिक को दुख देने के लिए बंद कॉल करता है, उन सभी का खिलाफ में और सख्त कदम उठाने का हमारे सीएम साहब ने आज बात किया है। और खास करके हमारा जो कैंपेन, हमारे जो 9 ईयर्स मोदी गवर्नमेंट, पेमा खांडू गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट, जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, तो उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और खास करके हमारा जो यूनियन मंत्री अर्थ साइंसेस किरण जी अपील किया, और हमारे सीनियर लीडर कपिल राव जी अपील किया, और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के जो अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं, खास करके नाइन ईयर अचीवमेंट ऑफ मोदी एंड पेमा गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन को किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में और ऑल इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, डिटेल में हम सभी को बताया है। सभी ने, जितने हमारे जो बड़े बड़े नेता है, लीडर्स है, इंक्लूडिंग स्पेशली और चीफ मिनिस्टर, एस अपील दी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली बीजेपी कार्यकर्ता को, जो ये साल जो है 2023 इस ईयर ऑफ इलेक्शन, प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन, सभी कार्यकर्ता को इलेक्शन मोड में आने के लिए सभी हमारे बड़े नेताओं की ओर से आज के दिन अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता को अपील किया गया है। और खास करके
ये भी हमारा चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में ओपोजिशन को उबरने नहीं दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश में ना कांग्रेस को उबरने दिया, ना कोई ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को उबरने दिया। ये एक हमारा भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के ओर से एक संकेत है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी होना जरूरी है, हेल्दी ओपोजिशन तो होना है डेमोक्रेसी में, लेकिन क्या है कि अरुणाचल में ओपोजिशन जो रोल प्ले करता है, ओपोजिशन का नाम से जो कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन जो रोल प्ले करना चाहता, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन जो रोल तो प्ले करता तो नहीं, कुछ और करता है, और खास करके सरकार को, सरकार का जो अच्छा काम को ये अप्रिशिएट करने के बदले में सरकार को बदनाम करने के लिए पीछे से कुछ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को लगा करके सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में नेगेटिव कैंपेन कराता है। ये सब जो हमारा ये जो कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल नहीं है, इसलिए जो हमारा सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जो आज हमारा बीजेपी कार्यकर्ता के ओर से अप्रिशिएट किया है कि बीजेपी को अरुणाचल प्रदेश में आज के दिन में बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी, पावरफुल पार्टी बना के रखे है, इसलिए हमारे सरकार को सारे अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ता ने धन्यवाद दिया है। थैंक यू।